हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लास्ट कई वीडियोस में कंपैरिजन करते आ रहे हैं स्टैड और रेविट और ऑटोकैड और स्टैड, तरह तरह के हमने कंपैरिजन किया है। आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि इसका रेविट और स्केचअप। आपको पता होगा कि रेविट और स्केचअप दोनों ही बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है इस मार्केट में। जिसने भी स्केचअप सीखा है उसका अच्छा जॉब लग रहा है, जिसने भी रेविट सीखा है उसका भी बहुत अच्छा जॉब लग रहा है। बट क्या बेसिक डिफरेंस हमको पता है स्केचअप और रेविट में? क्योंकि हम इंडस्ट्री में जाते हैं और हमको हम इस इंस्टीट्यूट में गए, इंस्टीट्यूट में जाके हमें ज्वाइन करना है कि स्केचअप ज्वाइन करें कि रेविट। अब सामने वाला बंदा अपने हिसाब से आपको मोल्ड कर देता है, उसके पास जिस चीज़ का ट्रेनर है वो बोलता है ये वाला सॉफ्टवेयर अच्छा है। पर नहीं, पहले आप अपनी देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि किस में होता क्या है, तो आपको पता चलेगा इंटरेस्ट क्या है उसमें। तो देखिए दोस्तों, रेविट में क्या रेविट में क्या है? रेविट में आप इसलिए प्लानिंग कर सकते हो। रेविट बेसिकली मैं पहले बता चुका हूँ BIM का सॉफ्टवेयर है। BIM मीन्स बीम, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल। इसके अंदर रेविट के अंदर हम लोग क्या एक एक करके अच्छे से प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। प्लान ड्रॉ करने के बाद अच्छा टेक्सचर डाल सकते हैं और उसके बाद उसका सेक्शन और एलिवेशन तो बनाना भी नहीं पड़ता है, बट सेक्शन ईजिली यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। इसमें कॉल आउट नाम की कमांड होती है, जिससे एक सेपरेट पार्ट को कट करके उस पर एक्स्ट्रा काम करके फिर मिक्स कर सकते हैं कॉल आउट कमांड से। रेविट में कई हमने बेनिफिट्स देखे, जैसे कि हम लोग डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, स्टेयर्स बनी बहुत इजीली ढंग से स्टेयर्स बना सकते हैं। और अब बात करते हैं स्केचअप की। स्केचअप में क्या अच्छाइयाँ हैं? स्केचअप में अच्छाइयाँ हैं कि स्केचअप बहुत ही इजी है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही ईजिली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसके बहुत से कंपोनेंट वेयर हाउस पे मीन्स गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकते हैं और आप डाउनलोड कर लो। जैसे बेड है, चेयर्स है, कंपोनेंट्स आपको बहुत कम बनाने पड़ते हैं। रेविट में भी कंपोनेंट है, बट रेविट में कंपोनेंट कंपेयर टू स्केचअप कम है। और इसके बाद दूसरा इसमें अच्छा क्या है, ये बहुत ही ईजी, इसमें आपको टेक्स्चर्स वगैरह लगाना बहुत ही ईजी जाता है, टेक्स्चर्स लगाना, ठीक है। इसका वॉक थ्रू बहुत ईजी है कंपेयर टू रेविट, क्योंकि रेविट में वॉक थ्रू कराने के लिए बहुत से ऑप्शन यूज़ करने पड़ते हैं। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। तो वॉक थ्रू उसमें ईजी है, इसमें वॉक स्केचअप में वॉक थ्रू बहुत ही ईजी है। अब स्केचअप का वॉक थ्रू यूज़ करेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत फास्ट होता है कुछ। और इसमें क्या अच्छा है, इसका वीरे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रेंडरिंग करके दे देता है। मीन्स ऐसा है कि जैसे रियलिस्टिक व्यू दिखता है। 3ds Max के बराबर नहीं, मैं 3ds Max के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 3ds Max के बराबर तो नहीं है, पर यार उसके थोड़ा सा कम ही कहो, लेकिन बहुत अच्छा है इसका स्केचअप। बहुत स्केचअप का वीरे बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू रेविट रेंडरिंग, ठीक है। अब रेविट के लिए क्यों हम जाना चाहिए? रेविट में अगर आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको एस्टिमेशन निकालना पड़े, तो एस्टिमेशन निकालने के लिए रेविट से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत ईजी ढंग से एस्टिमेशन निकाल के दे देता है, ठीक है। रेविट और क्यों अच्छा है? रेविट में टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। इतने परसेंट एरिया में मैं ग्रीन रखूँगा, इतने परसेंट ये रखूँगा, इतने परसेंट ये एरिया निकालने के लिए रेविट बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो रेविट मैथमेटिकल टर्म से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, और स्केचिंग टर्म से देखा जाए तो गूगल स्केचअप बहुत अच्छा है। गूगल स्केचअप ज़्यादा कंपनियाँ इसलिए यूज़ करती है क्योंकि ये बहुत ही कम फीस में बिलो द 50,000 ये सॉफ्टवेयर कंपनीज अवेलेबल करा लेती है, उनके पास मिल जाता है। बट रेविट का नियर अबाउट 2 लाख तक इसका सॉफ्टवेयर का चार्ज आता है, इसलिए रेविट कुछ कंपनियाँ कम यूज़ करती हैं, स्केचअप ज़्यादा यूज़ करती हैं। पहले स्केचअप फ्री होता था तो मैक्सिमम आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स स्केचअप यूज़ करते थे। अभी तो कोई फ्री नहीं है, बट वो भी थोड़ा सा चीप है तो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट बड़ी कंपनियाँ आपको BIM के लिए यूज़ करेंगे इसको। और इस ये क्या है, 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है रेविट। इसके बाद 4D होता है, 5D होता है, 6D होता है, 7D होता है। एक दिन मैं डिस्कस करूँगा इन ब्रीफ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि यार क्या है ये 3D, क्या है 4D, 5D। कुछ लोगों को नाम नहीं, उनको लगता है 4D मतलब 4 डायमेंशनल, 5D मतलब 5 डायमेंशनल। ऐसा नहीं है, मैं इसके बारे में ब्रीफ आपसे डिस्कस करूँगा बहुत ही जल्दी, उसका वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इसमें 500 लाइक्स करके दीजिए और फिर मैं उसके बाद वो वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 4D, 5D, 6D, 7D तक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, वही बताऊँगा। आप लोग बहुत ही अच्छा मुझे जब मुझे लाइक्स और व्यूज़ दिखते हैं तो मुझे लगता है और भी कुछ नया बनाना चाहिए, इसलिए मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। प्लीज़ इसी तरीके मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने व्हाट्सएप पे बस एक लिंक शेयर कर देना है, तो जिससे कि कई लोग अगर देखते हैं तो व्यूज़ आते हैं, तो हमें भी लगता है यार और वीडियो बनाने चाहिए। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में अभी आपको दिया क्या कि 30x50 का एक प्लान बना के दिया है। अब वो प्लान में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ। इवन मैं ऑटो कैड प्लान आपको करके दिखाने वाला हूँ, जिसका सेक्शन एलिवेशन भी करा के दिखाने वाला हूँ।
स्केचअप में भी पूरा प्रोजेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे एक कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए यार, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लाइक ऑफिस को लाइक जाने के पहले, ऑफिस से आने के बाद इतना मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं, तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्ट एक कमेंट करके मुझे बताइए सर कैसा लगा। थैंक यू।